Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for Element Sport. Guys, आज आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ मैं, ऐसी नई टेक्निक है और जो एलीट एथलीट्स होते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही कम लोगों को, बहुत ही कम गुरुओं को, कोचेस को, बॉडी बिल्डर्स को, यहाँ तक कि प्रो बॉडी बिल्डर्स को जो नेशनल लेवल्स में कम्पीट कर रहे हैं, उन लोगों तक को ये टेक्निक की ट्रिक नहीं पता होती है। तो किस टेक्निक की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी टेक्निक जो आपके ओवरऑल आर्म के डेवलपमेंट को बढ़ाती है। और आर्म ब्लास्टर जिस तरह से मैंने आपको बताया था आपके बाइसेप्स के लिए, उसी तरह से आज की टेक्निक जो है आपके डेल्टॉइड्स को ब्लास्ट करने के लिए है। क्योंकि गाइस, जो आर्म्स होते हैं उसमें सिर्फ आपकी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स ही नहीं होता, बल्कि उसका पूरा ओवरऑल आपका डेल्टॉइड्स, आपके फोर आर्म्स, हर चीज़ इन्वॉल्व होती है। अगर आपके डेल्टॉइड्स वीक रह जाएंगे, साइड का कैप वीक रह जाएगा, तो आपके आर्म बहुत ही बेकार लगेंगे। तो बहुत ही फोकस करना होता है हमें अपने साइड कैप्स को, अपने इंटीरियर, अपने लेटरल और अपने रेयर डेल्ट्स को बढ़ाने के लिए। और आज मैं हम बात करेंगे स्पेशली लेटरल हिस्से की, जो ये साइड कैप्स होती है जिससे हमारा वी टेपर बनता है। जो आप देखते हैं लोग स्टेज में खड़े होते हैं और एक वी टेपर आपको स्मॉल वेस्ट, ब्रॉड शोल्डर्स का एक इल्यूजन क्रिएट होता है, वो इसी वजह से होता है कि आपके साइड कैप्स डेवलप हों, ठीक है, और एक बल्जिंग आर्म्स का इल्यूजन देता है आपको अगर आपके डेल्टॉइड्स, साइड कैप्स अगर अच्छे होंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या ट्रिक है वो, और इसके बारे में सारी डिटेल मैं आपको देता हूँ इस वीडियो में। अगर मुझे आप फॉलो नहीं कर रहे हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम में, तो वहाँ पे फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो गाइज, अगर आप लोग मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं तो अभी तक आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल गई होगी कि किस तरह से हम अपने साइड कैप्स, अपने लेटरल डेल्ट को हिट करते हैं और कैसे उसको डेवलप करते हैं। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो साइड डेल्ट्स का देखा होगा, साइड किस तरह से एक्सरसाइज की जाती है, साइड लेटरल्स और रेयर डेल्ट्स और फ्रंट्स की। तो अब मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लोर करते हैं हम नई चीज़ों को। तो गाइस, इस टेक्निक को समझाने से पहले मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ कि रेगुलर जो साइड लेटरल्स होते हैं वो किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं। तो रेगुलर साइड लेटरल्स के लिए आपको अपने नीज को बेंड करना है, फॉरवर्ड लीन करना है हल्का सा, एंड जिस तरह से वल्चर फ्लाई करता है उस तरह से आपको साइड लेटरल्स को परफॉर्म करना है, ठीक है। ये आपके साइड कैप्स, आपके यानी कि लेटरल डेल्टॉइड्स में हिट करेगा पूरी तरीके से, ठीक है। जी, अब बात आती है कि इस टेक्निक की, जो हम एक स्पेसिफिक पार्ट हिट कर रहे हैं जिस इस टेक्निक से, वो हिस्सा है आपके लेटरल हिस्से, लेटरल डेल्ट्स का। अब लोग सोचते हैं कि शोल्डर में सिर्फ तीन पार्ट होते हैं, इंटीरियर, लेटरल एंड रेयर डेल्ट्स, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपका लेटरल हिस्सा है इसके भी दो पार्ट होते हैं। जो हिस्सा, पहला हिस्सा जुड़ा होता है आपके, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, पहला हिस्सा आपका जुड़ा होता है आपके फ्रंट डेल्ट से यहाँ पे, दूसरा हिस्सा जुड़ा होता है आपके रेयर डेल्ट्स के बीच में यहाँ पे। तो जब भी हम रेयर डेल्ट्स की नॉर्मल रेगुलर फ्लाइज लगाते हैं तो उसमें हमारा ओवरऑल हिस्सा ट्रेन होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जो आपकी स्पेसिफिकली, आप इस हिस्से को, स्पेसिफिकली इस हिस्से को, दोनों को ट्रेन कर पाएंगे। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आप पिछले हिस्से को कैसे ट्रेन करेंगे, ठीक है। तो फोकस करिए आप किस तरह से मैं अपने पिछले हिस्से को ट्रेन करूँगा। तो जब भी मैं अपने एल्बो को ट्विस्ट करूँगा अंदर की ओर यूं, तो मेरा ये हिस्सा ट्रेन होगा जो रेयर डेल्ट के साथ जुड़ा हुआ है, ये, ठीक है, यूं यहाँ पे प्रेशर आएगा ये, ठीक है। तो आपको मैं करके दिखाता हूँ। एल्बो जब भी आप ट्विस्ट करेंगे तो आपके लेटरल हिस्सा, आपके जो रेयर डेल्ट से जुड़ा हुआ है, वो ट्रेन होगा यूं, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब बात आती है आपके अंदर के हिस्से की, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो आपके एंटीरियर हेड्स के साथ जुड़ा हुआ है। इस पार्ट को हिट करने के लिए आपको एक सर्टेन एंगल में अपने हाथ को ऊपर ले जाना पड़ता है, ना ये ना फ्रंट रेज है ना साइड रेज है, ठीक है। तो ये एक बीच में आप 45 डिग्री के एंगल में अपने हाथ को उठाते हैं, जिससे मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन आपको मिलता है आपके ये वाले हिस्से में। देखिए, तो ये है 45 डिग्री एंगल। अब यहाँ पे जब आप उठाएंगे, ये देखिए, यहाँ पे जब आप उठाएंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा एग्जैक्टली यहाँ पे, ये, और जो इंसर्ट होता है ये हिस्सा आपके ट्रैप्स के पास यूं, ठीक है। तो इसको परफॉर्म कैसे करेंगे हम, सबसे पहले आप अपनी नीज को बेंड करेंगे, बैक आप ग्लूट्स आउट होंगे आपके, बैक आपकी न्यूट्रल पोजिशन में आएगी और हल्का सा आप आगे लीन करेंगे और आप इसको सिंगल हैंड यूनिलेटरल लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए 45 डिग्री का एंगल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
राइट। तो जब मैं इस एंगल में अपने हाथ को ऊपर उठा रहा हूँ तो मेरा एंटीरियर डेल्ट्स और उसके साथ जुड़ा हुआ साइड डेल्ट्स का हिस्सा ट्रेन हो रहा है, और जब भी मैं अपने हाथ को टिल्ट करूँगा पीछे की ओर तो रेयर डेल्ट से जुड़ा हुआ साइड कैप ट्रेन होगा। तो ये बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही एडवांस ट्रेनिंग होती है। जब लोग कंपीट करते हैं, स्टेज में पहुंचते हैं, तो तब उनको पता चलता है, जब बॉडी फैट परसेंटेज ड्रॉप होता है तब पता चलता है कि आपको क्या क्या आपकी वीकनेसेस हैं। तो ये ऐसी एक्सरसाइज है, ऐसी टेक्निक है जो आपके वीकनेसेस को कवर करती है। कुछ लोगों का रेयर डेल्ट बहुत ज़्यादा डेवलप होता है और साइड का हिस्सा बहुत डेवलप होता है क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी रेगुलर साइड लेटर्स लगाए होते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि आपके साइड कैप रेयर डेल्ट से जुड़ा हुआ साइड कैप और उसके बीच का हिस्सा भी ट्रेन हो, एक ओवरऑल 3D डेवलपमेंट के लिए डेल्ट्स की, जिससे आपका आर्म बड़ा लगेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, और इतनी डिटेल में जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको शायद ही कोई बताएगा, और आपको ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई है या इससे आपको कोई बेनिफिट मिला है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आपको तो मुझे ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में कि मुझे समझने में प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह, मैं उसका ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा अगर वो क्वेश्चन जायज़ होगा तो। ठीक है, तो गाइज़ टेक केयर, जीत सलाल, साइन ऑफ।